हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन कर्णन आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लव फॉर नेचर में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ग्रो मनी प्लांट इन वाटर, वेरी इजी टू ग्रो। मैं आप लोग साथ इसी पर चर्चा करूँगा। काफ़ी आसानी से आप लोग मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, पानी में काफ़ी इजीली ग्रो हो जाते हैं। और इससे पहले मैंने मनी प्लांट पर एक और वीडियो बनाया है, तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया है, तो मैंने इससे मिट्टी में लगाने बताया है। तो जो लोग नहीं देखे कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मनी प्लांट की बात करें तो ये पानी में काफ़ी तेज़ी ग्रो होता है इन कम्पेयर टू सॉयल। काफ़ी वाटर में काफ़ी तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है। और आप लोगों को कटिंग किस साइज़ के लेनी, सबसे पहले कटिंग सिलेक्शन पे चर्चा कर देता हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मीडियम साइज़ की आप लोगों को कटिंग लेनी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस साइज़ की कटिंग काफ़ी अच्छी होगी। और इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ ध्यान रखनी है कि उसमें एरियल रूट्स काफ़ी होनी जरूरी है। जो नोट्स है ना, ये एरियल रूट्स होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप लोग देख सकते हैं नए नए रूट्स आगे चल के डेवलप्ड होंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जब भी कटिंग लीजिए तो ये देख सकते हैं जो भी आप लोग के नीचे पोर्सन में जो भी लीव्स हो गए उन्हें आप लोग रिमूव कर दीजिएगा, ताकि आप लोग जब वो पार्टी में इंसर्ट करेंगे बोतल में तो ये डिस्टर्ब ना करें। और आप लोग पानी में लगाने से पहले अपने जो कटिंग को आप लोग के जो ये लीव्स है काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग पानी से धो लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग जिस भी कंटेनर में लगाना चाहते हैं, जिस भी बोतल में लगाना चाहते हैं, चाहे वो ग्लास का हो चाहे प्लास्टिक का, तो वो लीजिएगा। और ग्लास का या प्लास्टिक का जो भी आप लोग कंटेनर लगाएंगे, जिस भी बोतल में लगाएंगे, तो काफ़ी साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं अगर साफ़ सुथरा नहीं है तो आप लोग कपड़े से काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा उसे। और आप लोग उसमें नॉर्मल टैप वाटर भर सकते हैं, जो भी आप लोग वाटर में इसे लगाना चाहते हैं नॉर्मल आप लोग वाटर भर लीजिए इसमें। और उसके बाद आप लोग ये कटिंग को अपने बस प्लेस कर देना है इसमें। और आप लोग को इसमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखनी है इसे, आप लोग ऐसी जगह रखनी है जहाँ ब्राइट सनलाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखनी है। और लगभग 7 से 8 दिन के बाद का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इनकी रूट्स देख सकते हैं डेवलप्ड हो गई, लगभग ये बेस छू गया देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद देख सकते हैं जब मैंने इसे लगाया था तो इसमें दो दो ही पत्ते थे, और आप लोग देख सकते हैं नए नए दो और पत्ते निकल रहे, काफ़ी अच्छी इन लोग दे रही है देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि और देख सकते हैं लगभग 7 से 8 दिन के बाद आप लोग का रिजल्ट देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आप लोग ग्रोथ दिखेगा, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यू न्यू रूट्स डेवलप्ड हो जाएंगे आप लोग के प्लांट में। और लगभग आप लोग जब भी 7 से 8 दिन के बाद आप लोग इसे वाटर चेंज कर सकते हैं। और अगर 7 से 8 दिन के बाद नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन में आप लोग वाटर चेंज किया कीजिए इसे। और जब भी आप लोग वाटर चेंज करें तो किसी क्लॉथ की मदद से आप लोग ये बोतल जो भी आपके ग्लास है ऐसी बोतल प्लास्टिक का है तो उसे आप लोग साफ़ कर लिया कीजिए। और ये जो लिप्स वगैरह वो भी पानी से आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से धो लिया कीजिए। और फिर से इसे बस आप लोग को जहाँ पर ब्राइट लाइट आती है वहीं प्लेस कर देना है, डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह आप नहीं रखना है, काफ़ी अच्छा लुक देता है आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग चाहे तो इसे किसी भी जगह रख सकते हैं, आप लोग इसे इंडोर रख सकते हैं, अपने ड्राइंग टेबल पर रख सकते हैं, स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, अपने विंडो पर रख सकते हैं। और मैं तो ये अपने मनी प्लांट को जो देख सकते हैं मैं इसे अपने स्टडी टेबल के पास विंडो पर रखता हूँ, काफ़ी अच्छा है, डेकोरेटिव लुक भी देता है और ये एक एयर प्योरीफायर का भी काम करता है। और जाते जाते आप लोग के लिए क्वेश्चन है मेरा कि वाई मनी प्लांट इज़ कॉल्ड मनी प्लांट। जी हाँ, हम लोग मनी प्लांट को क्यों मनी प्लांट कहते हैं, इसका मनी प्लांट क्यों नाम पड़ा, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके मुझे दे सकते हैं और मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो अपनी बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं प्लांट रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।